भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और जाने माने क्रिकेटर कपिल देव को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो कपिल देव काफी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे। उन्हें डायबिटीज थी और उसके चलते ही वो काफी ज्यादा कमजोर भी पड़ गए थे। भारतीय क्रिकेट के महान दिग्गज और साल 1983 में विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव को वीरवार देर रात दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद कपिल की दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराई गई है। जी हाँ, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं कपिल देव और उनकी हालत लगातार नाजुक बताई जा रही है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है उसके हिसाब से कल रात कपिल देव के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, जिसकी शिकायत करने के बाद उनको दिल्ली में ओखला स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की होड़ लग गई है और वो सभी उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और कपिल देव को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बेशक एक बुरी खबर है कपिल देव और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए। कपिल देव ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 131 टेस्ट मैच और 225 वनडे मैच खेले हैं। उनके नाम टेस्ट में 5,248 रन और 434 विकेट दर्ज हैं। वनडे इंटरनेशनल करियर में उन्होंने 3,783 रन बनाने के साथ 253 विकेट भी झटके। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ फरीदाबाद में साल 1994 में खेला था। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। हाल फिलहाल कपिल देव की हालत नाजुक बनी हुई है और लगातार दुआओं का दौर जारी है।